हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सभी को फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए गाइस, तो आज मछली मारने मतलब चलते हैं। तो आज ये आपका मौसम भी ठीक हो रहा है, तो धूप निकाल रहे हैं, तो बहुत गर्मी लग रहा है। तो हम और एक भाई जा रहे हैं, मेरा भाई। तो आज हम दोनों मतलब मछली मारेगा, तो मछली मिलेगा ना नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन भी जितना मिलेगा मतलब ज़्यादा मिलने से ये करेगा, मतलब आधा बम्बू में पकाएगा और आधा रोस्टिंग करेगा, और नहीं मिलता है बोलने से सबको रोस्टिंग ही करके मतलब खा लेगा। उसका साथ में हम लोग ये आपका चावल उसको बम्बू में आज हम लोग पका के खाएगा। तो चलिए, तो मछली मारने चलते हैं। तो बहुत धूप भी निकाल रहा है अभी, बहुत मौसम भी ठीक ठाक हो रहा है। तो आप लोग को दिखाते हैं मौसम को भी, धूप बहुत बढ़िया सा भी निकाल। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया से धूप निकाल के है। तो वहाँ पे तो मतलब अच्छा से भी देखा है, मतलब देखा नहीं देखा, तो कैमरा जो इतना क्लियर नहीं है उसका वजह से धूप बढ़िया बढ़िया से निकाल रहे। तो चलिए आगे भाई का घर पे जाते। तो आज हम लोग डांग से मारेगा आपका ये लगा के, मतलब अभी हम लोग उसका उधर सामान लेने जा रहे हैं जो मछली मारने के लिए। तो इसका उसका घर जो यहाँ से जाता है, तो वो जो आगे चला गया सामान निकालने के लिए, तो उसका घर में जाते हैं, तो आगे सामान लेते हैं उसका। हम दोनों यहाँ से निकल जाएगा मछली मारने के लिए। तो मैं उसका घर में पहुँच गया हूँ यहाँ पे। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे भाई जो पूरा ये रस्सी को भी निकाल दिया, जहाँ से मतलब ये मारते मछली मारते हैं, तो ये है रस्सी जो। तो अभी इसमें हम लोग ये लगाएगा आपका हुक, ये होता है ना ये मछली पकड़ने के लिए, वो भी अभी लगाएगा इसमें। तो पूरा अभी सबको निकाल देगा। तो यहाँ पे रस्सी को निकाल के रख दिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे डांग काट लेते हैं, तो बम्बू से। तो हम लोग सामान पूरा पैकिंग करके हम लोग आ चुका है, तो पूरा सामान हम लोग का तो रेडी हो चुका, तो बैग में वो बुका हुआ है भाई जो। तो यहाँ से अभी डांग ले लेते हैं। तो यहाँ से डांग मिलेगा ना नहीं मिलेगा पता नहीं, यहाँ पे एक मिल चुका है डांग। इसको काटो आप ये लगा। तो फाइनली गाइस, हम लोग का ये बना चुका है ये आपका डांग जो। तो चलिए यहाँ से अभी शुरुआत करते हैं। तो हम लोग नला से मार रहे हैं। हे भगवान, मुझे शर्मिंदा मत करना, मैं अभी ये हम लोग का जब मतलब शुरुआत है। तो चलिए, तो मारना शुरू करते हैं। तो मिलने से ठीक है, ये भगवान के ऊपर वाला के नाम से, तो मिलने से ठीक है। प्लीज भगवान, शर्मिंदा मत करना हमको, प्लीज। चले गए तो यहाँ से मारना शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पे नदी को भी, नदी ने नला को भी देखा दीजिए। चलिए, फाइनली गाइस, एक तो ये आपका जात्रा भी मिली है, एक तो यहाँ पे मछली मिली है हम लोग को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मछली जल की रानी है। ये देखिए गाइस, चौथा है, लेकिन ये नला का तो चौथा ही होगा। तो आज काफी मिलने से ठीक है, तो आप लोगों को पूरा दिखाएगा कि आज क्या हम लोग को कितना मिला है, वो भी आप लोगों को दिखाएगा। तो दोस्तों, मैं पहले से यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ, तो और एक चीज मेरा पास गया है, तो आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा मछली है। तो वहाँ पे पास के है, तो निकाल देते हैं अभी, पता नहीं ये भरा है ना तो पर। चलिए तो निकालते हैं यहाँ से। ओह, ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ये है मछली, और एक तो पकड़ लिया हमने। यहाँ पे देख सकते हैं ये मछली, और कोई नहीं देखने वाला भी होता होगा यहाँ पे, मतलब मेरे व्यूवर से। तो इसको हम लोग यहाँ पे तालो मछली बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे अच्छे से दिखा दीजिए, ये है तालो मछली, यहाँ पे आप देख सकते हैं तालो मछली। ये तो बाहर में बहुत बड़ा वाला मिलता है, तो हम लोग इसमें इतना ही छोटा होता है, ये जो ज़्यादा भी बड़ा नहीं है। तो हमको और एक तो मिल गया है। तो ये मेरा भाई जो, ये भी मार रहा है अभी, तो ये मिला ना नहीं मिला पता नहीं, तो ये भी ऊपर जाते रह रहे। तो अभी ये भी यहाँ से मार रही है नला से। तो गाइस देख सकते हैं नला है एक। तो भाई आपको मिला है? हाँ, मछली मिला है नहीं मिला है? अच्छा, इसको नहीं मिला बोलता अभी तक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग बहुत मार चुके हैं अभी। तो भाई भी उधर मार रहा है अभी। तो भाई पकड़ा है क्या, एक है क्या? तो भाई भी पकड़ने वाले पगला निकाल दिया। तो देखिएगा तालो मछली। गैस हम लोग ये वाला मछली बहुत मिल रहा है अभी, पेटी पड़ी है। देखा तो अच्छा से।
भागना चाहिए। हाँ तो दोस्तों हम वहाँ से निकल गए, तो अभी नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं ना भाई। तो अभी कौन सा लोकेशन पे जाएगा? उस तरफ ना, तो हम उस तरफ जाएगा अभी। थोड़ा सा वो जो मतलब नला जो भरा होगा, वो जो कौन सा लगा, ये ऊपर वाला? नहीं ऊपर वाला में नहीं होगा, तो वो आगे से हम जाएगा अभी। तो ये पानी कैसे से होके हम निकलेगा, तो वो थोड़ा सा भरा होगा नदी, जो नदी नहीं नला है। तो भाई भी बहुत साल के बाद एक तो निकल दिया था लेकिन इसको भी चोट लगे निकलते समय, देख गिर गया ना। तो दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे अभी जा रहे हैं, तो ये जंगल से होके जा रहे हैं, तो अभी जंगल से हम लोग निकल रहे हैं। तो ये भाई जो गाइड कर रहे हैं हमको कहाँ से जाना है और कहाँ से नहीं जाना है। तो कितना मिला अभी तक देखेगा तो मछली ऐसे उठाओ ना, सिर्फ उठाओ। कितना, 1 किलो होगा? नहीं होगा ना, आधा किलो भी नहीं होगा ना। ठीक है, तो हम लोग ये वाला रास्ता से अभी निकल रहे जंगल होके, तो देखते हैं वहाँ पे मछली मिलेगा ना नहीं मिलेगा नेक्स्ट लोकेशन पे, तो उस पर जाके देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते रह रहे चलते रह रहे, और ये एक आप देख सकते हैं एक ये पेड़ है या फिर एक ट्री है, तो ये सब बहुत बड़ा है, ऊपर देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये यहाँ पे एक फल निकलते हैं, तो आम का जैसे होता है, तो उसका सीजन तो चला गया, तो यहाँ का वो फल भी बहुत खाने मज़ा होता है पकने से। और भाई जो उधर आगे जा रहे हैं अभी तक, तो अभी एक नदी यहाँ पे मिल गया, यहाँ से तो नहीं मारेगा ये, नहीं से मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से, पता नहीं यहाँ से भाई क्या बोलेगा होगा, पता नहीं भाई को रुक मतलब पूछ लेते हैं। और आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं, ये जो बम्बू यहाँ पे जो ऐसे गच्ची पे लगा के रखा है, तो ये आपका चूहा ये सब यहाँ से जाता है, तो चूहा पकड़ने के लिए यहाँ पे लगा के रखते हैं ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई आगे बढ़ेगा। हाँ फंस गया क्या आपको? तो चलिए यहाँ से निकल जाते हैं, दम निकाल देगा इसका, यहाँ में पीछे में हुक फंस गया पोकर पे घर पे, इसका बम पे फंस गया, आता हूँ ना हम निकाल लेगा ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंस गया, इसको निकाल देते हैं। इसको भी यार कैसे फंसने तक भूखा है, अब ये नहीं निकल रहे रे। निकाल गया फाइनली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसका भी निकाल दिया है हुक को, एक गाना गाओ, गाना हाँ एक गाना गाओ, क्या है वो? ओ चटनी बनाने के लिए ना। तो वह इस बार में आप लोग दिखाते ये वाला पट्टा से इसको चटनी बना के काटे हुए, गन भी बहुत अच्छा होता है, और ये आपका पेट के लिए भी, ये पेट को भी साफ करता है। तो इसके साथ में बाद में चटनी बना के गएगा मछली को इसके, तो हम लोग इतना नहीं मिला, तो जितना मिला उसको रोस्टिंग करके गएगा, तो जो अभी पट्टा देगा उसका साथ बाद में बनाएगा। तो दोस्तों हम लोग ये नला पे पहुंच गए नदी पे, तो हम लोग बहुत प्यास लग रहा था, ये प्रेस वाला वाटर है, तो यहाँ से अभी हम लोग पानी पी लेगा। तो यहाँ पे भाई भी पानी पी रहा अभी, भाई यहाँ का पानी कैसे है टेस्ट लेना, एकदम बढ़िया। तो आप भी पीगा ना पानी, और आगे हाथ डुला लो उसका पी लो। तो अभी हम लोग ये ऊपर से मारते हैं, ये बहुत फ्रेश वाटर है, तो क्या उसमें डाल के पीगा? ठीक है हो जाएगा ना, वो जंगल का गंदा नहीं होगा। खतरनाक पानी पीने वाला भी खतरनाक। फ्रेश वाटर। तो दोस्तों वहाँ पे भाई भी मरने स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी इतना भी ज़्यादा बात नहीं करने, तो देखते हैं भाई अभी हम भी मारना शुरू करेगा। ये फंसा ही गया, हम निकाल दो रहे क्या, फंसी है क्या उधर? मछली गिर गया गिर गया
इसका मछली गिर गया। तो हम भी अभी मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरा भी यहाँ पे फंस गया। तो चलिए आगे बढ़ते बढ़ते हैं, और भाई भी वो पीछे पे मार रहा है अभी तक, तो मैं भी ये आगे से मारूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली यहाँ से मिलने से ठीक है मछली। और ये है हम लोग का जैसे हम लोग अभी मारने जा रहे हैं, तो ये नदी है, नदी नहीं है नला है, नला गैस नला। ये देखिए गैस, ये देखिए दोस्तों, ये चूहा पकड़ने के लिए तो यहाँ पे उसका ये जो जाल है उसको यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये नदी क्रॉस करते हैं यहाँ से, तो जब चूहा आएगा तो यहाँ पे उसका पंडा को लगाया जाता है, तो चूहा आएगा तब यहाँ से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से वो मछली मार के खत्म हो गया, तो उसमें मछली नहीं है। तो अभी हम लोग जो पहले आप लोगों को देखा था चटनी बनाने के लिए, तो अभी हम लोग वही तोड़ने आए। तो यहाँ पे है वो जो, तो इसको तोड़ लेते हैं, इसका साथ अभी बना के खाएगा। तो मेन जो इसका रूट जो खाने बहुत मज़ा आता है, तो इसको अच्छा से धुलाना है। इसका रूट में ज़्यादा विटामिन होता है, ये आयुर्वेदिक ये दवाई है, ये भी एक दवाई है, तो ये पेट को साफ करते हैं। तो अभी वही ढूंढ रहा, अभी इसका साथ बना के खाएगा। तो अभी हम लोग पकाना शुरू करेगा ना भाई। तो हम लोग बहुत ज़्यादा धुन चुका है, तो भाई पकड़ के ले जा रहे उधर। तो देखा ना कैसे होता है इसका पट्टा, अच्छा से देखा थे। ये देखिए भाई गैस, देखिए यहाँ पे इसका पट्टा ऐसे होता। तो फाइनली हम लोग का ये पकाने का जगह भी तैयारी हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे आग भी अभी जला रहे हैं भाई जो, तो लकड़ी भी बहुत ज़्यादा धुन के ला के रख चुका है हमें, हम लोग यहाँ में भी है लकड़ी। तो ऑलरेडी उसमें था कता वाला जो किसी का, तो उधर से हम लोग ये सब जबरन को लेके आए। तो यहाँ पे अभी भाई अभी आग जला रहे हैं, और अभी सिर्फ मछली को अभी पेट साफ करना है, अच्छा साफ करके रोस्ट करना है, उसका इसके साथ पीस के खाना है अभी चटनी बना के। तो यहाँ पे अभी भाई जो मछली का पेट साफ कर रहा है, अभी अच्छा साफ करना है, और ये इसको भी साफ करना है अभी पानी में ये इसका रूत को। तो यहाँ पे नहीं तो मिट्टी हो जाएगा। तो अभी इसको धुला रहे भाई जो, पेट अभी पेट साफ कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चटनी को यहाँ पे पीसना स्टार्ट करते हैं। तो मैं चटनी पीसने के लिए ये बनाया हूँ लकड़ी से, तो ये बम्बू से बना है। इसके अंदर इसको ऐसे छोटा छोटा पीस करके, इसके अंदर ये छोटा छोटा पीस करके उसका इसको पीसना शुरू करेगा। तो इसे मैं कट के डालूँगा यहाँ पे छोटा छोटा पीस। पिसिंग पिसिंग चटनी पिसिंग दोस्तों, मैं चटनी पीस रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले आप लोगों को दिखाया था, तो चटनी पिसिंग पिसिंग हो रहा है इसमें। तो इसको पीस के ये ज़्यादा भी बड़ा नहीं, उसका वजह इसमें डाल देगा पीसने का पार्ट, या फिर ये पट्टा में डालने का, उसका मछली को भी रोस्टिंग करेगा, और रोस्टिंग करने का इसका साथ मिलेगा बाद में। ये टोमेटो भी लेके आए हम लोग, तो टोमेटो का टोमेटो को भी साथ में जला के मिला देगा। तो हम लोग का यहाँ पे खाना भी पक चुका है, अभी देख सकते हैं हमें खाना भी पक चुका है, और हम लोग का यहाँ पे मछली भी रोस्ट हो रहा है अभी पीस, अभी यहाँ पे रोस्टेड हो रहे हैं। तो खाना पक चुका है, तो पीस रोस्टिंग कर दिया, उसका पहले जो देख रहे उसको भी हम पीस दिए चटनी, बाद में चटनी बनाएगा। तो भाई देख रहे खाना को बढ़िया से, हाँ एकदम बढ़िया होना है खाने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग का टोमेटो को भी जला चुका है हमें, तो इसका साथ बाद में पीसने के लिए। और अभी हम लोग सूखा मिर्चा भी ले गया था, सूखा मिर्चा को भी यहाँ में आग में जला लेगा अभी थोड़ा सा, मतलब ये होने देगा कला होने देगा जला के। तो उसका साथ पूरा पीस के जाल जाल से बना के हम दोनों खाएंगे आज चटनी के साथ। और कुछ तो सब्जी नहीं है, तो इतना ही मिला था ये मछली जो, तो आज चटनी का साथ हम दोनों खाएगा। अभी हम लोग का मिर्चा को भी जला रहा है यहाँ पे, तो ये गर्म हो गया है मिट्टी जो, तो यहाँ पे किनार पे ये जला रहा है अभी। तो आज हम लोग इतना मिर्चा डाल के गएगा गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे कितना जाल होगा और कितना बड़ा बड़ा मिर्चा है। चटनी को अभी बनाना स्टार्ट करते हैं, हमें हर चीज़ पक गया है। तो ये है टोमेटो पकाया वाला, तो जला के ये पकाया वाला है, और यहाँ पे कच्चा प्याज, और यहाँ पे है चिली, और यहाँ पे हम लोग का रोस्टिंग किया वाला, ये रोस्ट किया वाला मछली, और ये मेरा पहले का पिसा वाला। तो अभी ये सबको मिक्सअप करना है, तो उसके यहाँ पे है नमक, तो अभी ये सबको मिक्सअप कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग का खाना भी निकल चुका है अभी,
पे मिक्सअप हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी देख रहा है। वाओ लुकिंग टेस्टी, बहुत टेस्टी देख रहा है गाइस, देख सकते हैं मैंने हाथों से मिलाया है, लेकिन अब यहाँ पे अच्छा से देख लीजिए, बहुत टेस्टी देख रहा है। वाओ खाना भी इसमें है, खाना भी बहुत टेस्ट देख रहा है। अभी तो पूरा मिक्सअप हो गया, अभी मछली के साथ पूरा टोमेटो ये सब और ये प्याज सब मिक्सअप हो गया। तो चलिए अभी खाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे मेरा खाना यहाँ पे डालेगा अभी, तो खाना स्टार्ट करेगा भाई हम दोनों। भाई भाई भी खाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई कैसे लग रहा है चटनी? एकदम बढ़िया लग रहा है, मस्त है ना? तो भाई को टेस्ट लग रहा है बोले। तो भाई अभी खाना शुरू कर रहे हैं, तो खा के देखो ना कैसे लग रहा है, तो टेस्ट करके रहिए। खाना भी बहुत टेस्टी देख रहे हैं, कैसे लग रहा है? एक नंबर। तो चलिए गाइस हम भी खाना स्टार्ट करेंगे। कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे ये चटनी। तो दोस्तों बहुत जाना होगा सोचा था, तो इतना जाल भी नहीं है, तो इसलिए मैं और यहाँ पे चिल्ली कर रहा हूँ। तो चटनी तो इतना जाल नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा डाला था मिर्चा ही जाल नहीं था, इसलिए मैं अभी ऐसे मिर्चा पीस के खा रहा हूँ। एक तो इसे अभी जाल लग रहा है, बहुत टेस्टी है जैसे में तो चटनी जो। तो फाइनली गाइस हम लोग का काफ़ी के कम्प्लीट हो गया है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएगा। तो अभी तो नहीं निकला, थोड़ा सा रेस्ट करेगा। तो काफ़ी के हम लोग का कम्प्लीट हो गया है, तो भाई भी खा चुका है। तो आप लोग को दिखाते हैं हम लोग का पूरा काया वाला चीज, मतलब थोड़ा मोरा बच्चा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा भाजी है पूरा कम्प्लीट कर दिया हम दोनों, पूरा खा चुका है। यहाँ पे प्याज थोड़ा सा बचा और ये चिल्ली ये भी थोड़ा सा बचा है, तो हम लोग का पूरा काके कंप्लीट हो गया। अरे भाई कैसे लगा? हाँ मस्त लगा। इसका पेट भी फूल गया, भरा हो गया। तो हम लोग ये वाला एरिया पे मतलब आज बना के गया है, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा ही है। तो अभी हम दोनों यहाँ से निकल जाएगा, तो हम दोनों का अगर वो आगे से है तो अभी हम दोनों यहाँ से निकल जाएगा। और दोस्तों मैं आज का वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट ब्लॉग पे। टाटा बाय बाय।